हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, डेट इज दी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और वी कुड से प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और ये जो टॉपिक है 11वीं कक्षा कॉमर्स के बच्चों के लिए और 11वीं कक्षा इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए ये लाभदायक है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसके रिटर्न नोट जो है वो मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। बिफोर ये टॉपिक समझाने से पहले, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जो कि कॉमर्स अर्थशास्त्र तथा मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही ये लाभदायक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल और तथा आपको काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज जो है नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक समस्या का मतलब क्या है। हर एक जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं, जिन्हें वो संतुष्ट करना चाहता है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनका कोई अंत नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है 10,000 है, लेकिन वो चांद तारों पे जाना चाहता है। तो ये क्या है कि हमारी एक, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास क्या है, साधन सीमित है। कि जैसे हमें कपड़े भी खरीदने होते हैं, अनाज भी खरीदना होता है, फर्नीचर भी खरीदना होता है, कार भी खरीदनी होती है, बहुत सारे घर भी खरीदना होता है और घर को मॉडर्नाइज भी करना होता है। तो ऐसी असीमित आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन साधन हमारे पास क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और जिनकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि वो उन साधनों, जो सीमित साधन है उनका प्रयोग हम किस तरह से करें, जिसकी वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी चीज को हम पहले लें और कौन सी चीज को हम बाद में लें और कौन सी चीज को हम त्याग कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास 300 रुपए है, आप बाजार जाते हो, वो 300 के अंदर आपके पास पैसे कितने हैं, 300 ही है। उस 300 के अंदर आप एक ड्रेस भी खरीद सकते हो, पिज्जा भी खा सकते हो, अर्थशास्त्र की बुक भी खरीद सकते हो, मूवी भी देख सकते हो। अब आपके पास कितने सारे विकल्प हैं, लेकिन 300 के अंदर मान लो ड्रेस भी 300 की है, पिज्जा भी 300 का है, मूवी भी 300 की है, अर्थशास्त्र की बुक भी 300 की है। तो आपको एक ही, उनमें से एक चीज को चुनना पड़ेगा। इतनी सारी ऑप्शंस के अंदर से आपको एक चीज का चुनाव करना पड़ेगा कि वो 300 रुपया आपने कहाँ पे खर्च करना है। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारे पास दुर्लभ साधन है और उन दुर्लभ साधन के वैकल्पिक प्रयोग है। तो हमें निर्णय लेना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि कौन से साधन को हमने कहाँ पे यूज करना है, वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का इष्टतम प्रयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो यही एक आर्थिक समस्या है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, साधन दुर्लभ है, जिसकी वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है। साधन सीमित है, आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की पूर्ति कम है, साधनों की मांग ज्यादा है, आवश्यकताएं असीमित है जिनका कोई अंत नहीं है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और जिसकी वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। तो यही एक आर्थिक समस्या है। अब आर्थिक समस्या की वजह से क्या है कि जो एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमी है, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, किसी भी अर्थव्यवस्था में साधन जो है सीमित होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे एक जमीन है तो उसके ऊपर हम गेहूं भी उगा सकते हैं, चने भी उगा सकते हैं, उसको हम ठेके पे भी दे सकते हैं, उसको हम उसके ऊपर हम क्या कहते हैं, कॉलोनी भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साधन सीमित होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं जिनका कोई अंत नहीं है, और अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना
करना पड़ता है ताकि वो साधनों का कुशलता पूर्वक इष्टतम रूप से जो है अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। अब हम देखते हैं कि जो केंद्रीय समस्या है वो इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि आर्थिक समस्या होती है, और जिसकी वजह से हमें केंद्रीय समस्या जो है एक अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न होती है। केंद्रीय समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि आर्थिक समस्या है और इसी से केंद्रीय समस्या शुरू होती है। साधन सीमित होते हैं, साधन दुर्लभ होते हैं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। कोई भी साधन या वस्तु दुर्लभ है इसका मतलब होता है कि उसकी मांग ज्यादा है और उसकी पूर्ति कम है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? सबसे पहले तो देखो साधन जो है उसको हम किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको आवंटन कर सकते हैं, तो उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, तो हम किसके लिए उसका उत्पादन करें। साधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग की समस्या, क्योंकि जो साधन है वो सीमित है और साधन दुर्लभ है, और साधनों को हम किस तरह से उसका विकास कर सकते हैं। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था के सामने ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करे या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करे, कपड़े का उत्पादन करे या मशीनों का उत्पादन करे। उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करती हैं, पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जिनके द्वारा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन ज्यादा करते हैं तो हमारे पास जो उत्पादन वस्तुएं हैं उनके लिए साधन कम रह जाएंगे, और अगर हम उत्पादन वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं ज्यादा बनाते हैं तो उपभोक्ता वस्तु के लिए हमारे पास रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। तो किस तरह से हम जो है कितना हम उपभोक्ता वस्तु बनाए, कितना हम पूंजीगत वस्तु बनाए ताकि साधनों का कुशलतम प्रयोग हो सके। देश को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे, क्योंकि अगर हम दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि अगर हम ए वस्तु, जैसे मान लो दो वस्तुएं बनानी है, ए वस्तु है बी वस्तु है, अगर हमने ए वस्तु को ज्यादा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी वस्तु के जो साधन है उनको वहां से हटा के हमें ए वस्तु के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था के अंदर ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तु ज्यादा जरूरी है, वस्तु का कितनी मात्रा के अंदर उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था ये निर्णय दो कारणों के कारण लेती है कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो हर एक अर्थव्यवस्था इस बात का फैसला जो है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सी चीजों की जरूरत ज्यादा है ताकि उन चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके, और उसी तरह उत्पादन किया कैसे जाए, तो ये भी एक जो है हाउ टू प्रोड्यूस, क्या टेक्निक हम इसके अंदर यूज करें। और उसी तरह देखो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि उत्पादन किया कैसे जाए ताकि साधनों का उचित प्रयोग हो सके। टेक्निक जो होती है हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और उसी तरह एक पूंजी प्रधान टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव के अंदर जो है लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसको हम श्रम प्रधान टेक्निक भी कह सकते हैं, जिसके अंदर श्रमिकों का प्रयोग ज्यादा होता है और जो पूंजीगत पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग कम होता है। तो इस तकनीक के अंदर लोगों को रोजगार मिलता है, बट इसका भी ये होता है कि चीजों की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती जब हम उनको मशीनों से बनाते हैं। पूंजी प्रधान तकनीक वो होती है जहाँ पे पूंजी का प्रयोग अधिक किया जाता है और दूसरे अन्य साधनों का कम, तो इससे उत्पादन की मात्रा और किस्म में सुधार होता है। लेकिन अगर हम पूंजीगत चीजें का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उत्पादन के अंदर तो श्रमिकों को काम नहीं मिल पाता, तो श्रमिक जो होते हैं वो बेरोजगारी ज्यादा फैल जाती है। उसी तरह है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो ये एक वितरण की समस्या भी है कि हम जो हम हमने किसके लिए प्रोड्यूस करना है। और उसी तरह इसके अंदर क्या है कि देखो एक वितरण की समस्या है कि देश के अंदर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसके अंदर भूमि श्रम पूंजी उद्यम का हिस्सा कितना बनता है। तो ये समस्या वितरण की समस्या है कि भूमिपति जो है जो वो अपनी भूमि सेवा के लिए देते हैं उसको कितना लगान मिलना चाहिए, कितना रेंट मिलना चाहिए,
श्रमिकों को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, पूंजीपति को कितना ब्याज मिले, उद्यमियों को कितना लाभ मिले, और सरकार जो है इस तरह की नीति अपनाए कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो जाए। और उसी तरह साधनों की पूर्ण जो साधन है उसके इष्टतम प्रयोग की समस्या भी होती है कि हमने जो साधन है, सीमित साधन है, दुर्लभ साधन है, उनका हमने सही ढंग से उपयोग करना है। कि अगर सही ढंग से उपयोग होगा तभी जो है तभी अधिकतम आवश्यकताओं की पूरी होती है, समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण होता है। क्योंकि यहाँ पे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि साधनों को हमें वही उपयोग करना है जहां से हमें ज्यादा जरूरत है। हमने ऐसे जो व्यर्थ चीजें होती है उनके ऊपर साधनों को नष्ट नहीं करना। साधनों के विकास की समस्या, साधनों के विकास की समस्या के अब साधन दुर्लभ होते हैं तो साधन अगर बढ़ सके जिससे ज्यादा उत्पादन हो सके, तो ये दो तरीके से हो सकता है। उत्पाद अगर साधनों की मात्रा बढ़ जाती है तो उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, या साधनों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तो पहले से ज्यादा वस्तुएं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है तकनीक की विकास होना। देखो अगर तकनीक विकास हो जाता है तो हमें रिसोर्सेज कम यूज करने पड़ते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, नए नए आविष्कार होते हैं, कॉस्ट कट हो जाती है और पहले से ज्यादा जो चीजें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसके साथ ही क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। और उसी तरह ही आप शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस से जुड़े रहिए ताकि आपको अर्थशास्त्र के अंदर, हिंदी के अंदर जितना भी मतलब टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स आपको सही समय पे अवेलेबल हो सकें।